हरदा में बीच रोड पर बैठी दो गायों को एक कार ने टक्कर मारी। इस हादसे में कार चालक भी घायल हो गया, जिसे लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं इस हादसे के बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने रोड जाम कर सैकड़ों गौवंशीय पशुओं को इकट्ठा किया और पशुओं के साथ होने वाले हादसों का विरोध किया। साथ ही उन्होंने गौपालकों पर कार्रवाई की मांग की, जो सड़कों पर अपनी गायों को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। हिंदूवादी संगठनों ने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए और गायों को इकट्ठा किया, फिर धरने पर बैठ गए। दिनेश भायरे ने बताया कि मैं एक किसान हूं और मेरी जमीन पास में ही लगी हुई है। मेरी एक एकड़ की फसल गायों ने बर्बाद कर दी है। अंत में प्रशासन से मांग करता हूं कि गायों के लिए गौशाला का निर्माण किया जाए। करनी सेना के तहसील अध्यक्ष विवेक राजपूत का कहना है कि जिन गौपालकों के मवेशी सड़क पर बैठते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। साथ ही जिन पशुओं का कोई मालिक नहीं है, उनके खाने और रहने की गौशाला में व्यवस्था की जाए। जब तक प्रशासन आवारा मवेशियों के रहने का इंतजाम नहीं कर देता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं गौशाला सचिव अनिल मुकाती ने बताया कि लोग अपनी गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, शासन प्रशासन कोई मदद नहीं करता है। गौशाला की सारी व्यवस्थाएं ग्रामीणों द्वारा संचालित होती है। ये गोमाता के लिए रखा गया है। गोमाता ने खुद आज चक्का जाम किया है। विगत एक साल से गोमाता के साथ जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, जिसके कारण गोमाता कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं वो किसान के यहाँ पे अनाज खा के मर रही है, कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं है, कोई जांच पूछ परख करने वाला नहीं है। जो सिराली की गौशाला है वो भी स्वतः संचालित नहीं होने के कारण, ऑटोमेटिक नहीं चलने के कारण उसमें इतनी दिक्कत आ रही है कि सिराली की गौशाला में भी रोज एक से दो या दो से तीन गाय रोज मर रही है। तो गौशाला में जो अत्याचार हो रहा है और गाय के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके आज गोमाता को, गोवंश को लेके हम लोगों ने आज करनी सेना परिवार, विश्व हिंदू परिषद, व्यापारी संघ, सारे सर्व सनातन समाज के साथ आज हम लोग यहाँ पे धरने पे चक्के जाम पे बैठे हैं गौमाता को न्याय दिलाने के लिए। और आज ये ग्राम के इसमें धरना ये इसका है कि जो परिवहन में दिक्कतें आती है, कई गौशाला वंश यहाँ रोड पर घूम रहा है, ये यहाँ पर रोड पर नहीं पला बड़ा है, ये लोगों का है, गौपालकों का है, वो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। आसपास के गांव से भी छूट के गए गौमाता आ रही है। यहाँ की जगह परिवहन में दिक्कत आ रही है, किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, कई एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बैठे हैं कि कहीं इसका स्थायी निराकरण हो, ये बहुत परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मैं एक किसान हूँ और आए दिन मैं भी इन गौ माताओं से परेशान हूँ। मेरी भी ज़मीन गांव के पास में लगी हुई है, आए दिन मुझे रात में भी निगरानी करना पड़ता है। आप चल के देखिए, मैं बता सकता हूँ कि कम से कम मेरी एक एकड़ की फसल गौ माताओं ने बर्बाद कर रखी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।